माँ एक ऐसा रूप है जिसे कठिनाई शब्द पता नहीं होता, और बात जब उसके बच्चे के भविष्य की हो, उसकी पढ़ाई की हो, तो फिर भला वो कैसे पीछे रह सकती है। घर की सारी जिम्मेदारी निभाकर वो निकल पड़ती है काम करने के लिए, ताकि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, सफल रहें। और इस सफलता के लिए वो चुनती हैं किरण ट्यूटोरियल्स को, जिसका परिणाम और उस माँ की कहानी आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। अभी पहले तो मैं हाउस वाइफ थी, मेरे दो बच्चे थे, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो एक मेरे को फील्ड में आना पड़ा, कारण मेरे दोनों बच्चे छोटे ही थे। पहले मैंने सिलाई का काम चालू किया, कारण मेरे को घर में रहना पड़ता था। मेरे हस्बैंड का हिप फ्रैक्चर हो गई थी, इसके लिए उनको बेड पे ही रहना था, तो अब उसके वजह से मेरे को घर पे ही रहना है, बच्चों को भी संभालना है और इनकम भी चाहिए। तो घर पे मैं डॉल का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी। फिर धीरे धीरे वो ठीक हुए, जाने लगे काम पे थोड़ा, तो मैंने भी सोचा कि चलो अभी कुछ बाहर देखती हूँ, कारण कि घर में रह के काम करके इतना सारा करना मुश्किल काम है। मैं वही आशा हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी, सलून के सर के हैं, उनके फिजियोथेरेपी में। तो डेली का मेरा आना जाना था किरण ट्यूटोरियल्स के सामने से, तो सर को मैं देखती थी डेली बाहर खड़ा हुआ रात को 10 बजे के आसपास। तो मेरे को मैं सर से 2-3 बार पूछी कि सर कैसा क्लासेस है, क्या है, वो बोलते बच्चे को भेजिए, एक बार आइए विजिट कीजिए। लेकिन मेरे पास इनकम उतनी थी नहीं, तो मैं साहस ही नहीं कर पा रही थी। मेरे को भाड़े से रूम चलाना और बच्चे लोग को एजुकेशन पे खर्चा करना वो तो है, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग खुद से करे। हॉस्पिटल भी जाती हूँ, घर में सिलाई भी करती हूँ, मशीन रखा हुआ है, मतलब मेरा 24 घंटा जो नींद आती है 4-5 घंटा बस उतना ही दिन पर्नोराज है, उसको मैंने डाला सर के यहाँ। तो फिर वापस वो भी मतलब अच्छा किया, पहले तो भी थोड़ा सा कोरोना के लेके पढ़ाई में थोड़ा सा लूज हो गया था, लेकिन फिर भी सर के यहाँ 9 के आसपास डाल दिया उसको, दिवाली के आसपास 9 में, तो फिर उसने कवर किया। 10 में वो अभी टॉपर आ गया, सर भी मेहनत किए, वो भी अपना मेहनत किया, सब लोग का मेहनत रंग लाया हुआ, अभी आज अच्छा किया है। अब विश्वास है आगे कि वो अच्छा करेगा, अभी भी सर के पास ही जा रहा है, कॉमर्स में इलेवन में है, अभी भी वो कॉमर्स में ही जा रहा है। अभी दोनों बच्चे सेट हो जाए बस यही चाहती हूँ, और कुछ नहीं, अभी क्या करूँ, जितनी मेहनत हो सकता है अपने से उतना करती हूँ।